तो गाइज आज इस फ्रेश एपिसोड में आप सभी के लिए अगेन कुछ बहुत ही धमाकेदार आयुष इंस्पायर्ड थीम्स लेकर आ चुका हूँ। तो सभी थीम्स को आप ऑफिशियल मियो थीम स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, वो आपको आगे जाके वीडियो में पता चलेगा। और इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल आयुष थीम आपके लिए वेट कर रहा है, तो वीडियो आप एंड तक तो जरूर देखना गाइज। बिना तरीके चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, इस वीडियो का जो पहला थीम है एक बहुत ही तगड़ा आयुष स्टाइल मियो थीम है। इस थीम के अंदर कुछ खासियत छुपा हुआ है जो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो होम स्क्रीन गाइस, होम स्क्रीन बिल्कुल आपको आयुष स्टाइल होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो विजेट स्टाइल देख सकते हो, ये भी मुझे काफी मस्त लगा। बिल्कुल आपको यूनिक एक विजेट देखने को मिलता है और आईकेस के डिजाइन भी बहुत ही अच्छा, स्क्वायर शेप आपको आईकेस देखने को मिलेगा इस थीम के अंदर। बैकग्राउंड में जो वॉल पर आप देख पा रहे हो, ये मैंने चेंज किया है। इसका लिंक तो आपको मिल ही जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर भी देखो यार, कितना यूनिक एक कंट्रोल सेंटर है। जितना भी टॉगल्स आप ऑन करोगे वो अलग अलग कलर में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से इस थीम के कंट्रोल सेंटर है। सबसे इमेजिंग चीज़ है वो है इस थीम का लॉक स्क्रीन। इस थीम की लॉक स्क्रीन को जैसा चाहे वैसा आप कस्टमाइज कर सकते हो, बस वॉल पर को छोड़ के। यहाँ पर आपको एक लाइव वॉल पर देखने को मिलेगा। जैसे इस पट्टी पर डबल टैप करोगे तो यहाँ पर आप अलग अलग विजेट स्टाइल, अलग अलग क्लॉक स्टाइल, यहाँ पर जितना भी फॉन्ट स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हो। कलर जैसा चाहे वैसा आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो पूरा आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, वो आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए गाइस। इस थीम का नाम है सिंपल TR-V2 हवा, जो आप मियो थीम स्टोर में सर्च करना और इस थीम को डाउनलोड करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट मियो थीम की तरफ। इस वीडियो का सेकेंड थीम भी एक प्योर आयुष स्टाइल मियो थीम है और ये थीम मैंने कुछ थीम्स को यूज करके कस्टमाइज किया है खास आप सभी के लिए। तो होम स्क्रीन देखो यार, इस थीम का बिल्कुल आपको आयुष स्टाइल होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर वॉल पर मैंने चेंज किया है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आइकन्स का डिजाइन भी देख तो आयुष स्टाइल आइकन्स है। और इस थीम का यूनिक चीज दिखाना तो आपको भूल ही गया, वो है लॉक स्क्रीन। तो इस थीम की लॉक स्क्रीन को आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ही आप इस पट्टी पे डबल टैप करते हो तो आपको अलग अलग वॉल पेपर चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है, यस। और यहाँ पर आप अलग अलग इफेक्ट को इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पर लाइव एनिमेशन इफेक्ट है जो काफी तगड़ा लगता है देखने में। तो ये थीम कैसे कस्टमाइज करोगे बताता हूँ। सबसे पहला थीम का नाम है आई केलोटक फाइनल। नाम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो यार माफ करना। और ये थीम आप ऑफिशियल थीम स्टोर में सर्च करना, डाउनलोड करना और कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करके पूरा अप्लाई करना। आपको और एक थीम डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है iOS बिग SUR। इस थीम का जो आइकन्स है इनको टिक करो और अप्लाई करो। देखोगे आपके लिए बहुत ही तगड़ा एक आयुष स्टाइल थीम रेडी हो चुका है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस बहुत ही मेहनत से एक एक करके आप सभी के लिए मियो थीम सर्च करके लाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो का जो थर्ड नंबर थीम है बहुत ही मस्त एक आयुष स्टाइल थीम है और ये थीम भी मैंने कुछ थीम्स को मिक्स करके आप सभी के लिए कस्टमाइज किया है। कैसे कस्टमाइज करोगे वो बता ही देता हूँ। सबसे पहला थीम का नाम है AUBE, ये थीम आप डाउनलोड करो, इस थीम को पूरा आप अप्लाई करो, ठीक है। और सेकंड थीम का नाम है क्लियर स्काई, ये थीम आप डाउनलोड करके इसका जो लॉक स्क्रीन है इसको टिक करके आप अप्लाई कर दो। देखना आपके लिए बहुत ही तगड़ा एक आयुष स्टाइल थीम रेडी हो चुका है। और यहाँ पर जो आप बैकग्राउंड में वॉल पर देख पा रहे हो होम स्क्रीन में, ये मैंने चेंज किया है अलग से, इसका भी लिंक आपको मिलेगा। और देखो यार कितना मस्त आपको बिल्कुल आयुष स्टाइल यहाँ पर होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइकन्स के डिजाइन भी बहुत ही मस्त आयुष स्टाइल आइकन्स है, बिल्कुल कलरफुल देखने में लगते हैं यार। और कंट्रोल सेंटर भी देखो यार, कितना यूनिक एक कंट्रोल सेंटर है, बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड में अलग से वॉलपेपर भी आपको देखने को मिलेगा जो आप देख सकते हो यार। और सबसे अद्भुत चीज दिखाना तो आपको भूल ही गया, अच्छा, वो है इस थीम का लॉक स्क्रीन। ये थीम डायनामिक आइलैंड को भी सपोर्ट करता है जो आप देख सकते हो ऊपर। जैसे आप पावर बटन को टैप करोगे बहुत ही अच्छा आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन में। और गाइस यहाँ पर लॉक स्क्रीन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर आप स्लाइड करते हो थोड़ा बहुत तो आप अलग अलग क्लॉक स्टाइल, विजेट स्टाइल आप मॉडिफाई कर सकते हो। और तगड़ा चीज है यहाँ पर आपको टोटल 6 वॉल पर देखने को मिलेगा बैकग्राउंड में जो आप लॉक स्क्रीन के अंदर चेंज कर सकते हो। तो इस तरह का ऑप्शन अलग अलग थीम्स में देखने को नहीं मिलता है यार। तो यही चीज मुझे इस थीम का काफी बढ़िया लगा। तो इससे बड़े थीम मैंने मियो थीम्स में नहीं देखा है, वो भी फ्री में, जो आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए, अभी डाउनलोड करना चाहिए। आई होप ये वाला थीम आपको पसंद आ गया होगा। सो गाइस यही थे कुछ आयुष इंस्पायर्ड थीम्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको और भी कुछ तगड़े आयुष थीम ट्राई करना है तो लेफ्ट साइड वीडियो पे क्लिक करो। अगर आपको मियो थीम्स को पूरा फुल प्लेस देखना है तो राइट साइड वीडियो पे क्लिक करो। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।